हे गाइस, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था मेरे पास वो काफी क्रुशियल है। काफी सारे बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्या आपने थंबनेल पढ़ा है, गेट वर्सेस कैट, राइट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है और क्या इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो फुल फॉर्म वगैरह बताया कि मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। कैट के जरिए क्या कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में करे हो। खाली इंजीनियरिंग बच्चे नहीं, बीएससी भी जाते हैं, बीए भी जा सकते हैं, बीकॉम भी जा सकता है, बीटेक जा सकता है, बीटे आपका बीबी वाले जा सकता है, बीसी वाले, मतलब जो जिसके पास भी ग्रेजुएशन डिग्री है वो एमबीए कर सकता है। अगर आप गेट की बात करते हैं तो जो एग्जाम देते हैं बेसिकली आपका दो, इसका मेन पर्पस होता है, तीसरा भी होता है, अभी आपको बता दूंगा। पहला क्या होता है, एमटेक, मतलब एमटेक कर सकते हो आप। फर्स्ट प्रेफरेंस किस क्या होता है बच्चों का, नौकरी लेना पीएसयू में, राइट। दूसरा क्या होता है, एमटेक में एडमिशन लेना, अगर नौकरी लगता नहीं तो। अगर दो एमटेक में जनरली एडमिशन कौन लेता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे, एडमिशन वही लिए हैं या ले पहले से लिए हुए हैं या लेने वाले हैं जिनका पीएसयू में होता नहीं है, अच्छा रैंक नहीं आ रहा है पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट करने के बाद, तो सोचते हैं चलो एमटेक कर लेते हैं, कुछ हमें स्टाइपेंड मिल जाएगा, फिर उसमें बैठ के प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन एवरेज में आपका प्रिपरेशन हो नहीं पाता है एमटेक में एडमिशन लेने के बाद, बहुत कम बच्चे ऐसे प्रिपरेशन कर पाते हैं, करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, करने में तो कुछ भी कर लेते हैं लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर मान लो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके पास गेट होना चाहिए, मैक्सिमम जगह पर रही है, कुछ जगह पर नहीं है तो गेट होने से क्या होता है, थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है और आपको इस टाइप में मिलता है लगभग 30,000 के आसपास पर मंथ, इफ यू डू पीएचडी फ्रॉम आईआईटी, इवन फ्रॉम एनआईटी, एनी आईआईटी और एनी एनआईटी, नया करो पुराना करो, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर होता है आपका जो स्टाइपेंड मिलता है। अभी मेरे पास डेटा है कुछ आईआईटीज का, एनआईटी का डेटा मेरे पास है नहीं, आईआईटीज का कुछ मेरे पास डेटा है, मैं उस पर बेस की बात कर रहा हूँ, उसके बेस पे आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अब वैसे बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एग्जाम देते हैं और कितने बच्चों को जॉब लगता है, राइट, कितने बच्चों को, मतलब मेन पर्पस जो होता है कैट देने का, मेन पर्पस सिर्फ एक ही होता है सब बच्चों का लगभग, कि एमबीए में एडमिशन लेना। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आईएम सबका टारगेट होता है, बिकॉज भैया टॉप अगर आईएम में मिला ए बी सी, मतलब इलाहाबाद सॉरी अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, अगर आईआईएम एबीसी में एडमिशन मिल गया तो आपका जो एवरेज पैकेज होता है एमबीए करने के बाद अराउंड आपका मिलता है 20 लाख के आसपास एवरेज पैकेज होता है डोमेस्टिक, मतलब 20 लाख पर एनम आपका एवरेज सैलरी मिलता है आपको, एवरेज पैकेज बोलूंगा एक साल का, मतलब लगभग 1,60,000 रुपये आपका सैलरी होता है पर मंथ, सीटीसी होता है भैया, सीटीसी और यूनियन में डिफरेंस है, अगर बोलोगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब कितने सीट्स हैं आईआईएम में, लगभग जो मेरे पास डेटा भी है लगभग 5,100 लगभग सीट है आईएम में एमबीए के लिए। पहला आईएम के अलावा मैं और बता रहा हूँ जो शानदार कॉलेजेस हैं आईआईटीज हैं, लेकिन सारे आईआईटीज आपका एमबीए नहीं करवाती है, जो आईआईटीज करवाती, जो मेरे पास डेटा है लगभग 700 आपका सीट से आईआईटीज में, आईआईटी में भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट जाते हैं, 10-12 लाख का एवरेज पैकेज है, राइट, ये आप समझ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। सो बच्चे कितने पढ़ते हैं कैट का, लगभग आपका 2.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, 2.5 लाख पेपर देते हैं लगभग, मतलब अगर मान लो आपको 6,000 बच्चों में आना है आउट ऑफ 2,50,000, तो सीरियसली जो प्रिपरेशन करते हैं 30,000 करते होंगे, राइट। तो अगर आप अच्छे से ऑफलाइन कोचिंग लेके प्रिपरेशन करते हो, इवन अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन आपसे शुरू करते हो कुछ वीडियोस का रेफरेंस लेके, किताब पढ़ के, प्रीवियस सॉल्व करके, टेस्ट सीरीज देके, तो चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज 30,000 में से 6,000 में आपको आना है, मतलब क्या हो गया, हर पांच बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग पांच बच्चे 5, 6, 30 तो लगभग लगा लो इतने ही आ जाएगा आपका, राइट, इतने भी आप उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, हर 5, 6 बच्चों में एक का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ठीक है। अगर आप बात करते हैं, वही तो हो गया आपका कैट का बता दिया, पैसा कितना लगता है, बहुत से बोलते हैं फीस बताओ, देखो आईएम के फीस ज़्यादा है एमबी के लिए, इवन आई ज़्यादा, मतलब क्यों बता रहा हूँ, जो एवरेज हम सोचते हैं वैसा नहीं है, 20 लाख 22 लाख 15 लाख जो पुराने हैं 20-22 लाख 25 लाख उनका फीस है 2 साल का, फीस इतना क्यों लेते हैं, बिकॉज भाई खर्चा बहुत होता है, इसलिए फीस, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो काफ़ी शानदार होते हैं, और इन्फ्रा जो आप पर लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है, और आपको जितना आप लगाने वाले हो 2 साल में वो आपको 1 साल में आ जाएगा, मतलब अगर ब्रेक इवन पर, एक इकोनॉमिक्स में आता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, इवन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कहीं कहीं जगह पर,
तो वहाँ पर इवन कोई कोई MIS में पढ़ता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई कोई स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ता है, तो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ब्रेक में मतलब क्या, जितना पैसा लगाया और कितना वापस आया, तो आप जितना लगा रहे हो 3 साल में बराबर हो जाएगा, लेकिन जो लाइफ टाइम पैसे कमाओगे उसका क्या है, राइट। तो काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कैट का जो मैंने बता दिया, आपका जो फीस है डिपेंड करता है कहाँ पर पढ़ रहे हैं, सस्ते भी हैं थोड़ा महंगे भी हैं, मतलब डिपेंड करता है, जितना अच्छा कॉलेज उतना आपका फीस देना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, मतलब बहुत क्लियर है। अहमदाबाद का फीस अच्छा है, अगर आप बोलेंगे जो नया IIM खुला है, लाइक IIM रोहतक, IIM रांची, IIM कितने टोटल, मैं आपको बता देता हूँ, टोटल IIM हमारे पास है आपका 20 IIM है, IIT कितना है हमारे इंडिया में 23 है, और NITs कितने हैं 31 है। कुछ NITs में MBA होता है, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत न्यू है, तो प्लेसमेंट का मुझे पता नहीं भैया, अगर एडमिशन लोगे तो पता करके जाना। MCA IITs में होता नहीं है, उसका अलग कहानी है। MBA NIT में MCA होता है, MBA IIT में कुछ IIT वाले MBA करवा रहे हैं और कुछ NIT वाले भी करवा रहे हैं, कुछ कुछ इस लास्ट ईयर शुरू कर रहे हैं, तो अगर पता करके जाना, बिकॉज अगर नया है तो वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा नहीं होने का चांसेस होगा। BTech अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि MBA भी अच्छा होगा, अच्छा मतलब फैकल्टीज तो अच्छे मिलेंगे, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज जॉब तो आप प्लेसमेंट से ही मिलेगा, ऑफलाइन जॉब ऑफ कैंपस जॉब इतना अच्छा मिलता नहीं है, चाहे कहीं से ही पढ़ लो थोड़ा मुश्किल होता है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट, रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। गेट की बात करते हैं, देखिए गेट में जो पेपर होता है, आपको पता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मेजरली इंजीनियर्स देते हैं पेपर, MSc वाले कम देते हैं कंपेरेटिवली, इस बार MA वाले भी दे सकते हैं और भी कोई कोई दे सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली कम है, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, आप इंजीनियर्स होंगे मैक्सिमम चांस है ये तभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो गेट है, गेट में जो पेपर देते हैं उनमें ब्रांच वाइज कैटेगराइज है, अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपका जो PSU में वैकेंसी होता है थोड़े ज़्यादा होता है, अगर आप कंप्यूटर से हैं कम वैकेंसी होता है, इलेक्ट्रिकल का लेकिन थोड़ा वेरी करता है। देखो पिछले 4-5 साल से या फिर जब से, मतलब पहले पहले ठीक था, PSU में वैकेंसी बहुत आ रहे थे, अब क्या हो गया थोड़ा सा अलग सिस्टम अलग हो रहा है, तो PSU में अभी इतने वैकेंसी नहीं है, राइट। कुछ PSUs अब डिटैच हो गए, लाइक वाइजर स्टील का अलग एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी आया हमारे बच्चों बच्चों का हुआ भी है, NLC अलग हो गया, HPCL अलग हो गया, 2012 में वो तो अब अलग हो गया, तो थोड़ा सा फिक्स नहीं है, तो अभी आगे पेपर देंगे आप, कब कितना रैंक आएगा कितना का मिलेगा कुछ नहीं पता, इस बार तो 100 रैंक वाले का भी जॉब लगा नहीं अब तक, उन्होंने इंटरव्यूज दिया क्रैक नहीं हुआ है, राइट। 100 रैंक जिनके हैं ऑल इंडिया, इवन अंडर 100 रैंक भी मेरे कॉन्टैक्ट में है जिनका नहीं हुआ है अब तक PSU में, वो क्या करेंगे MTech करेंगे अब, बिकॉज वैलिडिटी रहता है आपका 3 साल का गेट के स्कोर का, तो उसका वो फायदा उठाते हैं, और ये सही भी बात है, बहुत अच्छा मानता हूँ इस बात को कि कोई बच्चा थोड़ा रिस्क ले सकता है, राइट। अच्छा कितने बच्चे पढ़ते हैं, 10 लाख के आसपास। गवर्नमेंट जॉब कितने को लगता है थ्रू गेट, अराउंड 1000 बच्चों को लगता है, तो जो प्रोबेबिलिटी है जॉब लेने का गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, और कंपेरिजन करें कैट के साथ, प्रिपरेशन के लिए फीस ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू कैट, राइट। जो आपका एग्जामिनेशन फी है वो थोड़ा सा कैट का, आई होप सो अराउंड आपका 2000 के आसपास, 1900 रुपये के आसपास होगा, तो ठीक है, गेट का 1500 के आसपास है, तो लेकिन सबका थोड़ा और भी वेरी करता है डिफरेंट कैटेगरी, राइट। तो ये चीज़ें आपका हो गया, राइट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है जॉब का, भाई जॉब कहाँ पैदा है, तो अगर आप MTech करते हो अच्छे कॉलेज से ना, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका, यस यस ठीक है एंड ओके राइट। तो अब बात करते हैं हम क्या कि जॉब की बात करते हैं, MTech अगर अच्छे जगह से करते हो डेफिनेटली आपका जॉब काफ़ी अच्छा है। MTech के वैकेंसी कितने होते हैं, लगभग कहीं कहीं 18 सीट होता है, कहीं कहीं 24 सीट, कहीं 36 सीट होता है, ऐसे हर ब्रांच में होता है, ब्रांच में भी क्या होता है सब ब्रांच होता है, जैसे मैकेनिकल का थर्मल हो गया आपका, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कैड कैम हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, डिपेंड करता है कहाँ पर है। देखो अगर आप बोलोगे सर व्हाट टू चूज, मैंने आपको बता दिया दोनों का प्रोज एंड कॉन्स, क्या हिसाब किताब है लगभग जितना हो सकता है, सैलरी कितना मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग MTech, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज से कर रहे हो, कौन सा ब्रांच ले रहे हो, बहुत से ब्रांचेस का प्लेसमेंट होता नहीं है, फिर वो अपना PhD करने जाते हैं या फिर कहीं टीचर बन जाते हैं, तो अलग कहानी सबका होता है। एवरेज पैकेज की बात करोगे इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता IIT में भी, कुछ IITs में डेफिनेटली है, बट अगर एवरेज में बोलोगे नहीं मिलता, NIT में तो प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है MTech वालों का, राइट। हाँ लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग एनी कोर्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स आपका जो माइंडसेट है बड़ा शानदार हो जाता है, बड़ा कमाल के माइंडसेट होते हैं, फिर आप आगे एक्सपोजर जो मिलता है
उससे फिर आगे बहुत अच्छा सब कुछ कर लेती हूँ। कोई एक्सपोजर बहुत मैटर करता है लाइफ में, इट मैटर्स अ लॉट, राइट? इसका समझेगा अच्छे से। एंड अब मैं जो बात कर रहा था सैलरी की बात करता, देखो कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, इवन NITs में काफ़ी अच्छा, लगभग 100% प्लेसमेंट है MTech करते हो कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस अगर AI डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस कर लिए तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा आपको। आपका पैकेज 15-20 लाख भी लग सकता है, राइट? पर है ना, ज़्यादा भी लग सकता है, कोई मतलब बड़ी मतलब कि एवरेज में लगाओगे NIT में MTech वालों का 8 लाख के आसपास पैकेज है, और BTech वालों का IIT में जो थोड़े टॉप के हैं उनमें लगभग लगा लो 10-12 लाख का पैकेज, 15 लाख भी कमी था, एवरेज पैकेज 12-13 लाख लगा लो, ऐसे पैकेज एवरेज है। कहानी समझ में आ गया आपको? अब अगर मेरा ओपिनियन बताओगे, बोलोगे सर आप अपना ओपिनियन, आप अगर मैं अगर आपके जगह पर होता तो मैं देखता भाई मुझे लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। क्योंकि देखो मैं, मेरा जो ओपिनियन है, मैं जॉब पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन जॉब करना चाहिए मैं बोलता हूं, बिकॉज इससे क्या होता है डिसिप्लिन में बंदे आते हैं। जॉब पर भरोसा क्यों नहीं करता, बिकॉज आंखों के सामने देखा है यार नौकरी आते हुए लोगों का, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में आंखों के सामने देखता हूँ सस्पेंड हो जाते हैं बंदे, तो जॉब पर इसलिए भरोसा नहीं करता हूँ मैं भरोसा करता हूँ अपना खुद का सिस्टम बनाने का, जो सिस्टम में प्रॉब्लम है वो सिस्टम आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम ना हो। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव बीन ट्राइंग टू बिल्ड, एंड थोड़ा बहुत बिल्ड तो कर ही दिया हमने, राइट? आगे अगर भगवान की दया रहे तो डेफिनेटली बिल्ड और कर देंगे अच्छा खासा। तो ऐसा चीज़ें अगर आप जॉब परस्पेक्टिव देख रहे हो तो मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से थोड़ा आसान है जॉब लगना MBA करने के बाद, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा खासा मिलता है MBA करने के बाद। अगर आप IT सेक्टर से हो, अगर IT सेक्टर से हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप, अगर मेरा, मैं अगर IT सेक्टर से होता तो मैं डिपेंड करता MTech करो अच्छे कॉलेज से, अगर आप अदर देन IT हो तो मैं रिकमेंड करता MBA करिए। नाउ चॉइस इज योर्स, आपको देखना आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से, बेस्ड ऑन दैट टेक डिसीजन, डजेंट मैटर विच सेक्टर यू विल चूज। अगर आप इफ यू डू फ्रॉम योर हार्ट एंड बाय यूजिंग योर ब्रेन ऑब्वियसली यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, बट अचीवमेंट एक दिन में नहीं मिलता ना एक रात में मिलता, इट टेक्स टाइम। अगर आप एफर्ट डालेंगे सक्सेस मिलेगा, बिकॉज सक्सेस जो है भाई ये कोई जल्दी नहीं मिलता। लोग फेल मैं देखता हूँ होते क्यों हैं, मेरे से काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे कॉलेज मेट हैं, बट वो इतना अच्छा क्यों लाइफ में कर नहीं पाए, बिकॉज उनको इंस्टेंट चाहिए था। और लाइफ में तो ये लाइफ का खेल ही यही है, यही सीक्रेट लाइफ का है भाई, इंस्टेंट कुछ भी नहीं मिलता है, इंस्टेंट बदनामी मिल सकता है, अच्छा नाम इंस्टेंट नहीं मिलता है। लाइफ जब लंबी है तो सक्सेस काहे को चाहिए एक दिन में, आराम से करते हो ना, मौज लो, प्रोसेस को एंजॉय करो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट माय डियर। दैट इज माय ओपिनियन, रेस्ट ऑन यू। थैंक यू मच वाचिंग, लाइक कमेंट शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करिए। गॉड ब्लेस यू। कोई क्वेरी पूछिए, ऐसे ही मैं एक वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों की क्वेरी भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। वेल थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे नाम से उज्ज्वल कुमार सन, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।